नमस्कार दोस्तों, स्वागत करना चाहता हूं सभी को मेरे इस चैनल में। तो दोस्तों, ग्रेड 3 का फाइनली रिजल्ट का ऑफिशियली पब्लिश हो चुका है। नोटिस आ चुका है कि 6 नवंबर सुबह 11 बजे से रिजल्ट पब्लिश शुरू हो जाएगा। वो वेबसाइट तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो दिस इज दी वेबसाइट। और दोस्तों, जैसे कि मेनली जो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि जैसे ग्रेड 4 में हमें विथ हेल देखने को मिल जाती है, ग्रेड 3 में भी हमें विथ हेल देखने को मिलेगा। जी, इसका आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इसके लिए आपको पूरा ये वीडियो देखना है, तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि ग्रेड 4 में बहुत ही लोगों का रिजल्ट विथ हेल आया था। क्यों आया था, इसके लिए हमें पहले ग्रेड 4 में जाके झांक के देखना पड़ेगा कि क्यों ये आया था, क्या माजरा था, क्यों आया था। मेनली दो कारण के लिए विथ हेल आता है रिजल्ट में। ये दो कारण है, फर्स्ट वन इज द मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सेकेंड इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट, ओके। ये दोनों पॉइंट है जो कि मेनली ओकर होता है जब विथ हेल आता है, ठीक है। तो क्या ये दोनों चीज है, मैं आपको पूरा डिटेल में अभी बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज द मिसमैच, मिस इन्फॉर्मेशन। क्या है ये चीज, ये कारण है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया था, अगर आपके एम्प्लॉय एक्सचेंज में ग्रेजुएशन दिया था, आपका डाटा ग्रेजुएशन तक है और आपने ग्रेड 4, जहाँ पे ग्रेड 4 का क्राइटेरिया था सिर्फ 12 पास तक ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका एम्प्लॉय एक्सचेंज में आपका ग्रेजुएशन तक है बट आपने ग्रेड 4 में अप्लाई किया था, इसी कारण आपका विथ हेल्प आया है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लिखा था कि जो लोग 12 पास तक है वो लोग ही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस दोस्तों, ये तो थी ग्रेड 4 की कहानी। तो ग्रेड 3 में भी क्या ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, ऐसा हमें ग्रेड 3 में भी देखने को मिल सकता है। कुछ मिसमैच या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्रूव ना होने के कारण विथ हेल्प आ जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपका एम्प्लॉय एक्सचेंज में 12 पास तक है, आपने ग्रेजुएशन फिलहाल हाल ही में किया बट आपने एम्प्लॉय एक्सचेंज में नहीं दिया अभी तक अपने डाटा, बट आपने ग्रेजुएशन लेवल का पेपर भी आपने अप्लाई किया था, ठीक है, बट आपने एम्प्लॉय एक्सचेंज में नहीं डाला था, तो इसी कारण आपका वहाँ पे विथ हेल्प आ सकता है। अगर आप पास भी कर ले फिर भी आपका विथ हेल्प आ सकता है। और भी कई कारण है दोस्तों, अगर आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट या फिर कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कुछ किसी भी चीज़ को उन लोग को भनक हुई या फिर कुछ भी संदेह हुआ तो आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। एंड जब तक आप उन लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते हो तब तक नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है। और इसके लिए आपको अपना डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे जाना है, ठीक है। और दोस्तों, कि अगर आपने ग्रेड 4 एग्ज़ाम दिया था और आपके रिजल्ट में विथ हेल्प आया था तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके रिजल्ट में विथ हेल्प आया था कि नहीं आया था, ठीक है। और ये विथ हेल्प आना कोई बड़ी बात नहीं है, ये पहले भी आया था। अगर आप लोगों ने असम टेट या फिर कोई और स्टेट लेवल एग्ज़ाम दिए थे पहले भी तो हमें भी वहाँ पे विथ हेल्प देखने को मिला था, ठीक है। बट ये इजीली हट जाता है, कैसे हट जाता है वो भी मैं आपको भी बता रहा हूँ, विथ हेल्प कैसे हटाना होता है। अगर आपका बाई चांस विथ हेल्प आ जाता है रिजल्ट में, तब आपको वहाँ पे एक फिजिकली आपको वहाँ पे मीट करने के लिए बोलेगा, तब वहाँ पे आपको सारा अपना कंक्लूशन एक अच्छी तरीके से एक प्रेजेंटेशन लेके वहाँ पे जाना है, वहाँ पे उन लोगों को कन्विंस करना है, ठीक है। फिर वो लोग अगर कन्विंस हो जाए, मेनली वो लोग कन्विंस हो जाते हैं सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, बाद में विथ हेल्प हट जाता है, ठीक है। बल्कि मेन थिंग इज दैट मेरिट लिस्ट में पहले नाम आना है, ठीक है। विथ हेल्प का बाद में सोचिएगा, अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है दोस्तों। तो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के बीच ये वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी पता चले। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय।